हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, मिक्स प्रोपोर्शन का आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चंस क्या कहा गया है वो समझ लेते हैं। एक किले में 1500 आदमी के लिए 50 दिन की सामग्री थी, 15 दिन के बाद 600 आदमी और आ गए। इस प्रकार प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन का राशन 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम कर दिया गया, तो बता दें अब भोजन कितने दिन और चलेंगे। क्वेश्चन यह कहा है कि कुछ किला में जो है कुछ व्यक्ति पहले से थे, प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति को 900 ग्राम भोजन दिया जाता था, किला में और आदमी शामिल हो गए जिससे भोजन 900 ग्राम से घटा करके 750 ग्राम कर दिया गया, तो पूछा जा रहा है कि अब जो भोजन है वो कितने दिन और चलेंगे, ये बात पूछ लिया गया है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1500 आदमी शुरुआत में थे, तो चलिए 1500 आदमी शुरुआत में थे तो 1500 लिख दिए, 50 दिन की सामग्री उपलब्ध थी तो गुणा कर देते हैं, 50 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन बाद, तो इसमें से क्या करते हैं 15 घटा लेते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, तो शुरू में 1500 आदमी थे तो 1500 आदमी प्लस आए हैं कि गए हैं, तो इसमें व्यक्ति 600 व्यक्ति और आ गए हैं, तो आते हैं तो प्लस करते हैं, जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो प्लस कर दिए। इस हिसाब से क्या हो रहा है कि 900 ग्राम से घटकर कितना हो गया 750 ग्राम। तो अब क्या करेंगे, पहले इतना व्यक्ति थे 1500 व्यक्ति तो 900 ग्राम मिल रहा था, अब क्या हुआ 600 व्यक्ति और आ गए जिसके कारण इनको 750 ग्राम मिल रहा है। सब ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ग्राम में है, कोई दिक्कत है, ग्राम से ग्राम खत्म, 1-0 से 1-0 खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा, तो पहले इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। ये हो जाएगा 1500 गुना 50 में से 15 घटा दीजिए तो हो जाएगा 35, बटा का क्या, बटा का यहाँ से 15 छोड़ 2100, तो 2100 गुना इधर से क्या हो गया 90 बटा का 75। चलिए अब आसानी हो जाएगा काटने में, 2-0 से 2-0 कट जाएगा, आप 15 से ही 75, 15 पचे 75 कट जाएगा, आप इस 7 से ही 3 बार में कट जाएगा, 7 से ही 5 बार में कट जाएगा, 5 से ही 5 बार में कट जाएगा, 3 से ही कितना बार में 30 बार में। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो भोजन पहले 50 दिन चलता था अब भोजन 30 दिन चलेगा, तो फाइनल हमारा आंसर 30 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन को बना लिए। देखिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी ला है जो छात्रावास से रिलेटेड है। क्या कहा है कि एक छात्रावास में 300 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन पर्याप्त है, 10 दिन बाद 25 विद्यार्थी और आ गए, इसलिए प्रति विद्यार्थी के प्रतिदिन का भोजन 1 किलो 300 ग्राम से घटकर 1 किलो कर दिया गया, तो बता दे राशन कितने दिन चलेंगे। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 300 विद्यार्थी शुरू शुरू में थे तो 300 विद्यार्थी, अब क्या हुआ कितना दिन चलता था पहले 30 दिन चलता था, अब कितना दिन बाद विद्यार्थी था 10 दिन बाद विद्यार्थी आया, तो 10 माइनस कर देंगे, अब बटा का क्या हो गया वो देख लेते हैं। 300 विद्यार्थी थे और आए कितने विद्यार्थी है, तो इसमें बता दिया कि 25 विद्यार्थी और आ गए हैं। अब भोजन पहले कितना चलता था वो जरा समझ लीजिए, भोजन 1 किलो 300 ग्राम, देखिए 1 किलो 300 ग्राम मतलब 1300 ग्राम, टोटल कितना ग्राम हो जाएगा 1300 ग्राम, ठीक है, अब बटा का क्या हो जाएगा, अब 1300 एक किलो 1300 से घटा करके 1 किलो कर दिया गया, 1 किलो खाने का क्या मतलब कि 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म, 2-0 से 2-0 खत्म हो जाएगा। अब यहां से इसका सोल्यूशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 300 गुना का ये हो जाएगा 20 बटा का ये हो जाएगा 325 गुना यहाँ 13 बटा का 10, आसानी से काट देंगे, 1-0 से 1-0 खत्म हो जाएगा, अब जरूर कटेगा 13 से ही जरूर कट जाएगा, देख लीजिए कैसे कट जाएगा, 13 × 26 और 13 × 65 अब 25 से ही जरूर कट जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा, 5-0 25 दुना तो 25 से ही कट गया 12 बार में, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ से, 12 दुना का कितना 24, यानी कि अब जो भोजन पहले आपको 30 दिन चलता था अब कितना दिन चलेगा 24 दिन चलेगा, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 24 दिन। तो इस तरह से किला वाला क्वेश्चन और जो छात्रावास वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आसानी से आप बना पाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फिर से दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।